हेलो फ्रेंड, मैं हूँ संध्या और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सुप्रभात किचन में। और आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट काजू कतली। सबको लगता है कि काजू कतली बनाना बहुत कठिन है, लेकिन नहीं, बहुत ही आसान है ये। तो चलिए चलते हैं काजू कतली बनाने। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप काजू और 1 कप शक्कर। जितना काजू है उसके आधे क्वांटिटी में हमें शक्कर लेना है। अब हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इस जार में डाल देंगे हम काजू। इसका एक हम पाउडर बना लेना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि काजू को पीसते समय हमें एक बार में इसे नहीं चलाना है, धीरे धीरे करके 2-3 बार चलाना है। देखिए हमारा काजू का पाउडर बनके रेडी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हमने यहाँ पे एक पैन रख दिया है और इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर और जितनी शक्कर है उतना ही हमें पानी डालना है। और इसे हमें शक्कर घुलते तक अच्छे से चलाना है। शक्कर मेल्ट हो चुकी है और मेल्ट होने के बाद में हमें 3 से 4 मिनट कंटिन्यू इसे हमें चलाते रहना है। और हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, इसे हमें आधे तार वाली चाशनी बनाना है, यानी कि हल्की सी ऐसे चिपचिपी हो जाए। हमारी ये चाशनी बिल्कुल रेडी है काजू कतली बनाने के लिए। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब इसमें हम डाल देंगे ये काजू का पाउडर। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसी में हम डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे हमें लगातार चलाना है, रुकना नहीं है। अब हम एक थाली को ऐसे ग्रीस कर लेंगे घी से और फिर इस बैटर को इस थाली में निकाल लेंगे। अब इसे हम थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे। ये जैसे जैसे ही ठंडा होगा वैसे वैसे ही ये थोड़ा सा टाइट होगा। हमने एक ऐसी पन्नी ले लिया है और इस पन्नी पे हमने 1 चम्मच घी को ग्रीस कर लिया है और जो हमारा बैटर है इस बैटर को हम यहाँ पे डाल देंगे। और इसी में हम डाल देंगे 1 स्पून घी। और इसे हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो हमें ले लेना है ऐसे एक बटर पेपर और इस बटर पेपर को हम ग्रीस कर लेंगे और इसे हम ऐसे रख देंगे
और इसके ऊपर से फिर हम दूसरा बटर पेपर लगा लेंगे और फिर हम इसे बेलेंगे। तो देखिए हमें ऐसे बेल लेना है और इसके किनारों को पहले हम काट लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे हम चांदी का वर्क। और इसे हम थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद में हम इसे कटिंग कर लेंगे। ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था एक घंटे के लिए और एक घंटा हो चुका है, अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी काजू कतली कटिंग हो चुकी है। अब देखिए इसे मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितनी अच्छी बनी है और अंदर से बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनी है ये। तो अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। देखिए हमारी काजू कतली बनके फाइनली रेडी हो चुकी है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।